हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर फुकरा इंसान ने की बिग बॉस से शिकायत, खोल दी बिग बॉस के डबल स्टैंडर्ड की पोल। जी हाँ, किसी से भी नहीं डरता है फुकरा, तभी तो इतना कुछ बोलता हुआ नजर आया कि बिग बॉस भी हैरान हो गए। क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अब घर की कप्तान जिया हैं, और ऐसे में फुकरा ने बिग बॉस से यही शिकायत की। फुकरा ने कहा, बिग बॉस यार ये तो गलत है, आपने मुझे सिर्फ एक ही दिन के लिए कैप्टन बनाया और मेरी कैप्टनसी के दौरान आपने ऐसे कोई भी टास्क नहीं दिए जिसमें किसी को जेल में डालना हो या मुझे कोई भी अधिकार नहीं मिला, जबकि मेरी कैप्टनसी सबसे स्मूथ चल रही थी। कोई बात नहीं बिग बॉस, गलत किया आपने, मतलब जिया के लिए इतना कुछ और हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये तो गलत है। ये सारी की सारी बातें फुकरा बैठकर मनीषा से कर रहा था, जिसके बाद फुकरे ने ये भी कहा कि यार सोच तो, टास्क भी ऐसा बनाया, पहला टास्क ही मेरी कैप्टनसी के बाद जिसमें मेरी कैप्टनसी चली जाए, मतलब कोई ना, मैं तो समझ गया था कि बिग बॉस ने जानबूझ कर मुझे कैप्टनशिप से हटाने के लिए ये टास्क बनाया है। यहाँ पर फुकरा ने बिग बॉस तक को चैलेंज कर दिया और कह दिया कि बिग बॉस वैसे एक बात बोलूँ, कोई बात नहीं, आपने टास्क बना दिया, मुझे हरा दिया और जिया को कैप्टन बना दिया, जबकि उस टास्क में भी जो आपने करवाया 6 राउंड मैं जीता था और सिर्फ 1 राउंड अविनाश जीता था, पर कोई बात नहीं, आपने मुझे कैप्टनशिप से हटाया, करो अब कोई टास्क, मैं कैप्टन फिर से बन के दिखाऊंगा और इन सबकी नाक में दम नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं। यार जो गलत है वो गलत किया है इन लोगों ने आज। जिया का तो दिमाग ही खराब हो गया है कैप्टन बनते ही, पता नहीं क्या कुछ करे जा रही है। ये सारी की सारी बातें फुकरा मनीषा से बोल रहा था। मानना पड़ेगा कि सच में अभिषेक में बहुत दम है, जो बिग बॉस की ही गलतियां बिग बॉस को गिनवा रहा है, बिग बॉस के ही सामने उसके डबल स्टैंडर्ड्स की पोल खोल रहा है। वैसे आपको बता दें, बिग बॉस भी जिया को कैप्टन बनाकर परेशान ही हो गए हैं, क्योंकि जिया से काम संभाले नहीं संभल रहा है। आपको क्या है लगता, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।